विशाल आम सभा राहुल थोड़ा हाथ नीचे जो राहुल जी की हुई उसके लिए हमारे पार्टी के सारे वरिष्ठ नेतागण प्रदेश जिला ब्लॉक मंडल तक सेक्टर तक सभी लोगों ने जो सहयोग किया और अपार भीड़ इकट्ठी की उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। उज्जैन की जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस यात्रा को इस आम सभा को सफल बनाया सर कल। और इसी के साथ साथ मैं प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पूरा सहयोग किया जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन। सर आज आपने पौधारोपण भी किया है रुद्राक्ष का उसके आज रुद्राक्ष का पौधारोपण मैंने किया है क्योंकि अनंतराम मीना जी का ये जो इंस्टीट्यूट है अनंतराम मीना जी हमारे पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं और मेरे बहुत ही निकट मित्र हैं उनका ये आग्रह था तो मैंने किया। सर राहुल जी भी पौधारोपण करेंगे इस बारे में प्रोग्राम में उनका अभी आज नहीं था क्योंकि अब वो रेस्ट डे है आज हम लोग इस बारे में कोशिश करेंगे उनसे हाथ लगवा के करना। सर कल कई जगह पोस्टर देखे गए थे कि तपस्वी आया है महाकाल की नगरी में तुम राहुल गांधी जी के एक तपस्वी के तौर पर। देखिए बात यह है कौन पोस्टर क्या लगाता है किसको मालूम है क्या अप्रूवल क्या राहुल गांधी जी देते हैं ये तो हर आदमी अपनी भावना के हिसाब से लगाता है। और मैं एक बात और बता दूँ भाजपा एक एक छोटा सा 5 सेकंड के वीडियो को बहुत बड़ा तरदार दे रही है। अरे ऊपर खड़े होके छत पे कोई पाकिस्तान जिंदाबाद लगा रहा है तो वो कोई कांग्रेस का आदमी होगा निश्चित तौर पर वो भाजपा का और संघ का आदमी जो बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। सर राहुल गांधी जी बदले बदले नजर आ रहे हैं आप तपस्वी वाले रूप में दंडवत किए हैं मतलब बिल्कुल ही एकदम चेंजेस ड्रास्टिक चेंज दिखाई दे रहा है। अरे परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी बिल्कुल अपने आप उन्होंने कहा कि परिवर्तन मेरे में आ रहा है। सर गुजरात चुनाव में जो है भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर देखने को मिल सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ये भारत जोड़ो यात्रा है जो देश में नफरत का बीज बो दिया है भाजपा और आरएसएस ने लोगों के साथ भेदभाव का संविधान तोड़ा जा रहा है संवैधानिक संस्थाओं को काम करने का मौका नहीं दे रहा है उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उसके लिए है। कोई ये चुनाव की यात्रा नहीं है कोई आपके वोट मांग रहे हैं क्या। आम आदमी पार्टी सेकंड पार्टी बनने जा रही है गुजरात में बता आम आदमी पार्टी 8 तारीख को मिल लेना उनको 5 सीटें भी नहीं मिलने वाली है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।